उत्तर प्रदेश के कुछ वो इलाके, गांव देहात के कुछ वो ज़िले जहां पर कोरोना का संकट किस तौर पर गहराया है, चाहे वो सिद्धार्थनगर हो, पूर्वी इलाका हो, मध्य यूपी हो या फिर पश्चिमी यूपी, एक जैसे हालात। आइए कुछ ज़िलों पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जहां के ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से कोरोना ने अपना पंजा गाड़ा है। देश में कोरोना संक्रमित मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो अब 2 लाख को पार कर गए। वहीं बात प्रदेश की जाए तो यहाँ भी 8000 से पार मामले पहुँच गए हैं। और इस संख्या को बढ़ाने का अगर कोई जिम्मेदार लग रहा है तो वो है प्रवासियों का प्रदेश में लौटना, जिसके चलते हर जिले में आंकड़े बढ़ने की संख्या रफ्तार पकड़ रही है। दरअसल कन्नौज में मंगलवार के दिन 12 कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर ये अभी तक का एक दिन में आई सबसे ज्यादा संख्या है। इस संख्या के बढ़ने की वजह है तमाम राज्यों से आए प्रवासी, क्योंकि जो लोग संक्रमित मिले हैं वो लोग वो हैं जो इन प्रवासियों के संपर्क में आए। वहीं अब ये आंकड़े कन्नौज के लिए एक खतरे का संकेत है। 12 पॉजिटिव में से 11 मरीज छिबरामऊ इलाके के हैं, जिसमें 10 लोग एक ही परिवार के। ये सब अहमदाबाद से आए कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में आए। तो वहीं एक अन्य कन्नौज सदर कोतवाली के हाजीगंज मोहल्ले का रहने वाला है। अब यहाँ का जो कंटेनमेंट जोन होगा वो, चूंकि ज़्यादा केस हैं तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, 500 मीटर का हो जाएगा, फिर 250 मीटर का उसका बफर जोन हो जाएगा। पूरे एरिया को सैनिटाइज कराया जाएगा। और चूंकि यहाँ इस एरिया में एक साथ है दो परिवारों में इतने बड़े केस निकले हैं, तो अब इसमें कंटेनमेंट जोन में पूरा हम एक एक घर के जो है चेकिंग कराएंगे, एक एक घर की स्कैनिंग कराएंगे और इसमें ग्रुप सैंपल कराएंगे। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि ऐसी स्थिति सिर्फ कन्नौज की नहीं बल्कि बुलंदशहर, बस्ती और कई जिलों की भी है, जहां लोग प्रवासियों के संपर्क में आने से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर में भी यही हाल है, जहां प्रवासियों के संपर्क में आने से एक ही परिवार के 10 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। सीएमओ सीमा राय ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 136 हो गई है, जिनमें से 58 एक्टिव केस हैं, 75 इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। तो वहीं अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि जैसे ये मामले बढ़ रहे हैं वो अब प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि अब चुनौती से कैसे सामना प्रदेश करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।